वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। असदुद्दीन ओवैसी यूं तो हमेशा ही विवादित बयानों के कारण विवादों में रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने यह ट्वीट कर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है कि उनकी कार पर गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने दो गोलियां लगी कार का वीडियो भी ट्वीट किया है। उनकी कार पर यह फायरिंग छिजारसी टोल प्लाजा के निकट होना बताया गया है। एडिशनल एसपी हापुड़ के अनुसार नोएडा के रहने वाले सचिन ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की थी। उन्होंने कहा कि सचिन को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से 9mm की एक पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ओवैसी के बयानों से सचिन खासा खपा है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी भी खंगालने शुरू कर दिए हैं। ओवैसी ने इस घटना की चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही कहा है कि वह सकुशल दूसरी कार से आगे रवाना हो गए हैं। आइए देखते हैं वह वीडियो। ये वीडियो पिलखपुर टूल टैक्स के और यहाँ ओवैसी साहब पर गोली चल गई है। जबी जितने मेरे पत्रकार भाई हैं सभी 5 मिनट के अंदर आने की कोशिश करें पिलखपुर टूल टैक्स पर। देखिए पहले जो सूचना मिली है उस बेसिस पर मौके का यहाँ पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया हुआ है। जो साक्ष्य थे उनको हमने संकलित किया हुआ है। एक व्यक्ति जो सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुआ है उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना के बारे में गहराई से सभी पहलुओं पर जो संबंधित चश्मदर्शी थे उनसे बात की गई है। बाकी अभी और गहराई से पूछताछ करके इसको लॉजिकल एंटर लेकर अभी बहुत प्रिलिमिनरी है सारी चीजें। वो यहां से आए, यहां पर दो लोग थे, अभी ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि इनके साथ में थे या पहले से खड़े हुए थे। उसके पश्चात ये सिचुएशन एक हुई है वहां पर, इसको हमको हमने एक व्यक्ति हिरासत में ले लिया है। वहां पर जो फोर्स थी उसने तत्परता से उसको हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है सभी पहलुओं पर। हम इसकी सर सुरक्षा में चूक कैसे, सर कितने राउंड फायरिंग हुई अगर ये बता पाए। हमने फुटेज कलेक्ट किया हुआ है, हम उसको डिटेल उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें जो भी मैंने कहा इसको लॉजिकल एंड पर लेकर के जाएंगे। यदि किसी भी तरीके का कोई भी इसमें निकल के आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।